गाइस दिस इज़ व्हाट हैपन्ड आफ्टर यू क्रैशिंग अ ड्रोन। पूरा जो है इसका चीज़ें कट गई थी, मैंने पूरा खोल के दोबारा से इसे असेंबल किया है। गाइस वेलकम बैक टू प्रोफेसर एक्सप्लोरर। आज जो है ना, मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ। तो बैक इन देन यू जस्ट यू नो जस्ट गिव योर लव टू माय वीडियो ऑफ द ड्रोन जो मैं रिसेंटली लेके आया था, एंड राइट नेक्स्ट फ्यू डेज आफ्टर यू नो फ्लाइंग इट वो क्रैश हो गया था। और उसके क्रैश होने के बाद जो है ना, पूरे 2 महीने तक आई कम्प्लीटली यू नो सर्च द पार्ट अराउंड द ग्लोब। मैं DJI दुबई तक गया और फाइनली DJI दुबई में पार्ट आया, लेकिन मैं उसे ना ले नहीं पाया क्योंकि मुझे ऑफिशियली वहाँ पर जाना पड़ रहा था और शिपिंग कॉस्ट वॉज टू हाई। देन फाइनली समवेयर इन चांदनी चौक पूछा चौधरी मार्केट पार्ट आ गया है, ठीक है। और मैं आपको दिखाता हूँ मेरे ड्रोन के ना अभी क्या हाल है। इसके मैंने एक एक पार्ट को खोल के रखा, इसकी पूरी अस्थियाँ बना रखी हैं। अगर आप देखोगे तो कुछ पार्ट इसके अंदर पैक हैं, कुछ इसके अंदर पैक हैं और कुछ स्वयं ड्रोन के अंदर हैं। तो ये पूरा पूरा का पूरा खुला हुआ है अभी, ठीक है। लेकिन अभी जो है फाइनली आज मैं रात का मेरा बस है, रात को 12 बजे मैं निकलूँगा देहरादून से एग्जैक्टली। और कि मुझे वहाँ से फ़ोन आया था कि पार्ट अवेलेबल हो चुके हैं, तो मैं पार्ट्स को वहीं इंस्टॉल करूँगा, खुद पार्ट को खुद ही करूँगा और ट्राई करूँगा कि ड्रोन रेडी हो जाए। अभी जो मेजर प्रॉब्लम थी मेरे साथ वो मैं अभी आपको बताता हूँ क्या प्रॉब्लम थी। अभी इसे रख देते हैं साइड में। अभी जो है मेजर प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ क्या थी। अगर मेरे पास वो फ्लैप अभी होगा तो इसका जो है ना विजन सेंसर का फ्लैप होता है एक, वो जो है कट चुका था क्योंकि ये क्रैश हुआ था। और उसके बाद जो रात को गाइस कभी ड्रोन फ्लाई मत करना। मेरा ड्रोन मैं रात को फ्लाई कर रहा था और पीछे से ये पेड़ के एक छोटे से तरे से टकरा कर गया ना, क्रैश हो गया। और तब से पूरे 1 महीने से नहीं चला पाया था, मतलब 1 महीने से ऊपर ही हो गया। बट अभी वो फ्लैप मुझे मिल नहीं रहा है, बट मैं यहाँ पर इमेज डाल देता हूँ। कुछ ऐसा ये फ्लैप दिखता है, ये कट गया था। और ये अब बस कुछ ही देर में अपना काम वाम निपटा के मैं जाता हूँ और 12 बजे रात को, एंड कल सुबह आप सभी से मिलते हैं चांदनी चौक में। तो गाइस फाइनली मैं रात के 11 बज रहे हैं और 12 बजे जो है मतलब मेरी बस है, तो मैं निकल रहा हूँ रूम से कुछ ही देर में। सीन है यहाँ भी हो रही है ठंड। मैं पहुँच गया मेट्रो स्टेशन में और अभी जो है 7 बजने को है, तो 3 आवर्स मुझे डिसाइड करना है कि 3 घंटे मुझे क्या करना है। वेदर आई वॉन्टेड गो टू माई फ्रेंड प्लेस और आई वॉन्टेड स्टे समवेयर, तो ये डिसाइड करते हैं। पर जो है पूरा फॉग लगा हुआ है चारों तरफ, बड़ा ज़बरदस्त फॉग लगा हुआ है। ठंड काफ़ी होती है सुबह, इन कुछ ही देर में अभी है ना सब हट जाएगा और धूप लगेगी और लोग अपना काम करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी कुछ ऐसा माहौल है, पूरी धुंध लगी हुई है दूर दूर तक। दुनिया में बच्चे को भी तू माँ के दुख की लाज रखनी है, ओ गुरु खालसा जी हर शहीदी के। तो गाइस मॉर्निंग राइड लिए अंकल जी के साथ और अभी चांदनी चौक घूम रहा हूँ। कुछ ही देर में जो है अपने कपल भी आ जाएंगे DJI वाले, तो उसके बाद ही आगे काम हो पाएगा। मीनवाइल दिल्ली और चांदनी चौक के मजे लीजिए। काफ़ी फॉग है अभी, थोड़ा कम हो गया लेकिन सुबह बहुत ज़्यादा फॉग थी, बहुत ज़्यादा। अंकल ने सुबह सुबह जो है ना लाल किला भेज दिया, बोल रहे यहाँ पर लाल किला, लेकिन लाल किला दिख नहीं रहा, धुंध लगी हुई है। ये मेन गेट है कह रहे अंकल। अंकल कितने का बेचा लाल किला, कितने का बेचा लाल किला? चल अंकल वापस, दुकानें ना खुलने का नाम नहीं ले रही है, क्या ही कर रहा हूँ। मंदिरों के दर्शन कर लिए सारे, गुरुद्वारा में बैठ लिए, दुकान है नहीं खुल रही भाई, अब खुलने लगी है भाई। एक दुकान खुली है, अरे अब खुल जाएगी लग रहा है। चलो उतार दो अंकल,
यहीं उतार दो, धन्यवाद। गाइस दुकानें अभी भी नहीं खुली, तो सोचा आए गुरु के लंगर खा लेते हैं, तो लंगर के लिए आए हैं, खा लेते हैं। फाइनली आ गए हैं भैया के पास। इसके लिए इतने दिनों से वेट कर रहा था मैं, दुबई में आ गया था बस, कोई आया नहीं दुबई से, तो फाइनली अंकल के पास था। तो भाई ड्रोन जो है आधा ठीक हुआ है, अभी कैलिब्रेशन एरर आ रही है, मतलब सॉफ्टवेयर अपडेट करना उसका, वरना तो। लेकिन हाँ, अगर आपको सही करना ना हो तो कुछ चौधरी मार्केट में आ जाना। हाँ, सही यही होगा ना? हाँ, ये यही है सारे। कैमरा कैमरा का समाधान यही है भैया। डाउन जाना, किधर से जाना है? नीचे उतरना, नीचे उतरना, नीचे उतरना। ये वाली घड़ी वहीं जा रही है। घड़ी जा रही है? ओ, घड़ी नहीं, रास्ता। अच्छा, घड़ी तो खराब हो रखी मेरी। ओके, ओके। घड़ी तो खराब हो रखी है भाई। अरे यहाँ पता नहीं क्या क्या है भाई। पहले तो फ्लैप और ये पार्ट्स का दिक्कत था, और अभी जो है ना सेंसर सारे लॉक हो गए। कैन फ्लाई, मेट्रो आ गई है, लेट्स गेट इन। ठीक है, सेंसर एक भी काम नहीं कर रहे हैं, सेंसर मंगाए हैं। ठीक है, कुछ देर में जाऊँगा, अभी मेट्रो से निकलते हैं अंदर को और वापस जा रहा हूँ कश्मीरी गेट। मे बी ड्रोन मुझे छोड़ना पड़ेगा। गाइस देखिए, सीधे गोद में आके बैठ गई है, आस्किंग फॉर समथिंग टू ईट। नाउ शी इज गोइंग डाउन। मैं खा रहा था कुछ, आई थिंक शी विल हैव इट। नो, शी इज नॉट हैविंग इट। भैया फाइनली जो है बस लेके निकल रहा हूँ वापस जा रहा हूँ। तो गाइस मैं आ गया फाइनली वापस, हार्डवेयर सारे लग गए हैं, ये ऑफिशियल केबल है टाइप सी टू टाइप सी। अभी मैं क्या करने वाला हूँ पहले बताता हूँ आपको क्या क्या हुआ है, क्या क्या चीज़ें चेंज हुई हैं और अब क्या करना है। देखो, ड्रोन पूरा समेट लिया है, दिस इज द कंट्रोलर, दिस इज गुड। ठीक है, इसे कंट्रोलर को ऑन करके रख देते हैं यहाँ पे, कंट्रोलर में कोई इशू नहीं था। अब जो है ड्रोन पूरा जो है रेडी हो गया है, बट अभी इशू क्या है पहले बताते हैं। पहले पास आओ थोड़ा और बताते हैं आपको। सो सीन ये है, नीचे के सेंसर लगे हैं, विजन सेंसर सारे लग गए हैं, ये क्लैक केबल लग गई है, ये वाला सेंसर लग गया है, ओवरऑल सेंसर रिफ्रेश हो गए हैं। ठीक है, लेकिन अभी इशू क्या है कि ना इसमें फिर भी दिक्कत आ रही है। दिक्कत क्या आ रही है कि जो सेंसर के बिना ये स्टार्ट हो गया था तो ये लॉक हो चुका है। नाउ मुझे इसे कैलिब्रेट करना है सेंसर को। सो एक बार खुद से ट्राई करता हूँ, अदरवाइज मुझे इसे ऑफिशियली DJI भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर सिर्फ उन्हीं के पास है। मैं पूरा दिल्ली में कहीं नहीं हो पाया, आई एम ट्राइंग फ्रॉम माई सेल्फ। तो आइए क्या कर रहा हूँ मैं, तो दो चीज़ें मैंने करी हैं। ऑफिशियली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, तो मैंने जापान का VPN लगाया हुआ है, लेट्स सी जापान, उसके बाद कुछ और का ट्राई करेंगे एक बार। और मैंने DJI सपोर्ट असिस्टेंट ऐप जो है वो जो है डाउनलोड कर लिया है। ठीक है, वो कुछ यहाँ पर है, ये रही, इसको करना है ओपन। अब इसके ओरिजिनल केबल को मैं लूँगा और इसको मैं लगाने वाला हूँ यहाँ पे अपने मैकबुक पे। ठीक है, और इसको मैं अलाउ करने वाला हूँ, अलाउ, एग्री, एग्री। ठीक है, डेटा वगैरह ऑन कर देते हैं, यहाँ पर बड़ी स्क्रीन में देखते हैं, और इसे मैं ऑन करने वाला हूँ। अब ये कह रहा है कि इसे लगाने के लिए, तो इसे ऑन करते करते इसको लगाऊंगा मैं। देखते हैं कनेक्ट हो पाता है कि नहीं। तो ड्रोन पूरा ऑन हो रहा है, मैंने अभी वो नहीं लगाया हुआ है, इसके क्या कहते हैं, इसके प्रोपेलर्स निकाले हुए हैं। ठीक है, तो ये अलाउ के लिए कह रहा है आपको। सो देखो कि आपकी ये ना डिडक्ट कर दिया है इसने, मिनी 4 Pro को डिडक्ट कर दिया है। अब अंदर जाते हैं, अगर ये जापान के सर्वर से मुझे कैलिब्रेशन अलाउ करता है तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज एरर आपको दिखा देता हूँ वहाँ पर। देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है मुझे जहाँ तक पता है, सपोर्ट असिस्टेंस खुला है, कुछ भी नहीं आ रहा है। फ्रेमवेयर ऑलरेडी अपडेट हो चुका है, सो वो लोड हो रहा है। लेकिन अभी देखिए ना आप, तो डाउनलोड, विजन सेंसर, कैलिब्रेशन, एरर। ठीक है, डाउनवर्ड्स की बात कर रहे हैं, सॉरी। तो डाउनवर्ड्स विजन सेंसर का ऑटो कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस, तो ये ऑटो कैलिब्रेशन इन प्रोग्रेस हो रहा है अपना भी। अब यहाँ पर देखोगे आप, ये ऑफिशियली यहाँ पर एक नया फ्रेमवेयर भी आ रहा है, जैसे स्टार्ट अपडेटिंग पे लगा देते हैं, है ना, तो ये डाउनलोड होगा फ्रेमवेयर। बट विजन सेंसर का जो एरर है ये जा नहीं रहा है,
ठीक है, ये डाउनवर्ड विजन सेंसर कैलिब्रेशन पैरामीटर एरर, और कहता है कि DJI सपोर्ट को कॉन्टेक्ट करें, विजन सेंसर कैलिब्रेशन एरर, अनेबल टू टेक ऑफ, ठीक है, डिस्कनेक्ट फ्रॉम द एयर USB। बट चेक करते हैं ये फ्रेमवेयर एक बार फिर से अपडेट हो रहा है, अगर कुछ होता है तो सीधे सीधे लिखा हुआ रहा अनेबल टू टेक ऑफ, अगर मैं इसे टेक ऑफ करने की कोशिश कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा कुछ एरर आ रहा है। स्टार्ट किया, कुछ भी नहीं होगा, तो ये कुछ ऐसा हो रहा है अभी, ऑल्दो सब कुछ सही चल रहा है, बट वही है कि मतलब एक तरह से दिक्कत तो आई गई है। पर अभी वेट करते हैं, अगर फ्रेमवेयर अपडेट करके कुछ होता है वेट करते हैं। अपडेट इज वी विल नीड टू सेंड दिस टू DJI, क्योंकि इसके सेंसर को कैलिब्रेट करना है और इनकी जो ऑफिशियल ऐप था उससे नहीं हो पा रहा है, उसमें उन्होंने ऑप्शन ही नहीं दिया इंडिया रीजन में, तो अभी इसको ऑफिशियली राजस्थान में कोई सपोर्ट स्टाफ है DJI ऑफिशियल ने बताया, तो वहाँ पर मैं इसे भेज रहा हूँ। हार्डवेयर वाइज सब कुछ सही है, ओनली थिंग इज सॉफ्टवेयर अपडेट होना है, सॉफ्टवेयर अपडेट हो जाएगा तो बिल्कुल सही चलेगा। तो ये नीचे का जो बॉटम वाले विजन सेंसर है ये वाले बेसिकली कैलिब्रेट होंगे, तो मैं इसे शिप करने के लिए पैक कर देता हूँ बस। सो गाइस, अब मैं इसे शिप करने के लिए पैक कर रहा हूँ। सो अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर आपको जानना है कि मेरा ड्रोन सही हो पाता है या नहीं हो पाता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, क्योंकि दूसरी वीडियो जल्दी ही आने वाली है। और हाँ, अगर आपको कभी भी ड्रोन्स वगैरह रिपेयर करने होते यार, आप दिल्ली चांदनी चौक पूछा चौकड़ी मार्केट में जा सकते हो, वहाँ से आप नए ड्रोन्स भी ले सकते हो और पुराने भी बेच सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर अभी मिनी 4 प्रो और एयर 3 दोनों ड्रोन वहाँ पर अवेलेबल हैं, आप ले सकते हो बहुत बढ़िया प्राइस पर। तो तब तक के लिए मैं चलता हूँ, और इसी दुख के साथ आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो गाइस, बैक करते हैं मैंने इसे भेजने के लिए।